हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है, लैंडमार्क कार्स का आईपीओ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंस का पता चल पाएगा। दूसरा हम जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, इसका सेक्टर कैसा है, फ्यूचर कैसा रहेगा। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका जो आज की तारीख में लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 55 रुपए पर शेयर, मतलब 55 रुपीज पर शेयर, 29 मतलब 29 शेयर्स का ये लॉट है। तो 55 × 29 करते हैं तो करीबन 1595 रुपए, मतलब 1595 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो करीबन 11 मतलब 11% ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में, जो कि देखा जाए तो बहुत कम चल रहा है, मतलब 20% से कम है। तो अभी अप्लाई करने के लिए लिस्टिंग गेंस के हिसाब से थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है, और बाकी ग्रे मार्केट का प्रीमियम की जो डिमांड है ऊपर नीचे होती रहती है। तो डेली आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट मिलता रहेगा, आप बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों लैंडमार्क कार्स के पास क्या है कि 5 से 6 लग्जरी कार ब्रांड होते हैं, उनकी डीलरशिप है, मतलब ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, सिर्फ डीलर है इनका, जिसके अंदर पहली लग्जरी ब्रांड है मर्सिडीज बेंज, दूसरा है होंडा, तीसरा है जिप, चौथा है वॉक्सवैगन, पांचवा है रेनॉल्ड और छठा है बीवाईडी। बीवाईडी अभी इसकी इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह आ रही है तो उसकी भी डीलरशिप इसके पास है, मतलब ये इनकी कारें सेल करती है। और उसके अलावा कमर्शियल जो व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर अशोक लेलैंड की भी डीलरशिप है इसके पास। दोस्तों ये खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये सिर्फ डीलर है लग्जरी कार ब्रांड्स की, और इसके टोटल 115 शोरूम है 8 स्टेट्स के अंदर, जिसके अंदर क्या है कि सबसे पहला तो ये नए कारों की सेलिंग करती है, दूसरा आफ्टर सेल सर्विस और रिपेयरिंग का भी काम है, और उसके अलावा स्पेयर पार्ट्स है, लुब्रिकेंट है, एक्सेसरीज है, वो भी ये सेल करती है, और उसके अलावा सेकेंड हैंड जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें भी ये डील करती है, और थर्ड पार्टी फाइनेंस और इंश्योरेंस की भी सुविधा है यहाँ पे, तो वहां से भी अपना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। तो इसका जो लगभग टोटल 80% का जो रेवेन्यू है नई कार की सेलिंग से आता है, और बाकी रेस्ट ऑफ 20% जो मैंने बिजनेस बताया उससे आता है। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी जो है प्रीमियम लग्जरी कार जो होती है उनकी डीलर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, जैसे मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा खुद मैन्युफैक्चर करती है, खुद उनके शोरूम है, इस तरह से नहीं है, इसकी डीलरशिप है और इसके पास प्रीमियम कार्स हैं। और अभी टॉप सेलिंग जो ब्रांड्स अगर देखे कार के अंदर तो मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये टॉप सेलिंग ब्रांड्स हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका काम बढ़िया है, सेक्टर बढ़िया नजर आ रहा है। अब इसकी वैल्यूएशन हम देख लेते हैं, मतलब प्राइस बैंड वगैरह सस्ता है या महंगा है। तो दोस्तों ये हो गई कंपनी की बात, अगर आपको समझ में आया है कि कंपनी क्या काम करती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसके एसेट्स देखें 2019 से लेकर 2022 तक, तो इसके जो एसेट्स हैं 2019 से लेकर 2021 तक घटे हैं, मतलब 2019 में ज्यादा थे फिर 2021 तक घटे हैं, हो सकता है कोविड के कारण ऐसा हो, फिर 2022 के अंदर वापस थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। वैसा का वैसा पैटर्न सेम रेवेन्यू के अंदर भी है, ये जो हो सकता है कोविड के कारण इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली हो। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2019 और 2020 के अंदर ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, फिर 2021 और 2022 के अंदर ये वापस प्रॉफिट के अंदर आ गई, और अगर अभी 2022 के अंदर अगर इसका प्रॉफिट देखें तो 66 करोड़ रुपए के आसपास इसका प्रॉफिट है, और 2022 का अगर रेवेन्यू देखें तो 2990 करोड़ रुपए के आसपास इसका रेवेन्यू है 2022 के अंदर। तो इस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालते हैं तो सिर्फ 2% के आसपास इसके प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आते हैं, जो कि देखा जाए तो बहुत कम है। हालांकि ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, इस कारण क्या है कि इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम है, मतलब आप मान सकते हो जो डीलर होते हैं उनका जो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा 10% का ही होता है, 5 से 7% के आसपास आप मान सकते हो, पर 2% बहुत कम लग रहा है। हालांकि इसका जो सेल है प्रीमियम लग्जरी कार सेल करती है तो उसके अंदर क्या कि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता होगा, तो प्रॉफिट भी 2% के अंदर अच्छा ही मिलता होगा। फिर उसके अलावा नेटवर्क जो 4 सालों के अंदर थोड़ी ही बड़ी, मतलब ज्यादा उसके अंदर ग्रोथ नहीं है,
और दोस्तों इसके ऊपर उधारी मतलब डेप्ट मतलब बोराइंग्स की बात करें तो 464 करोड़ रुपए की आज की तारीख में उधारी है इसके ऊपर। और आईपीओ से जो पैसे जुड़ाएगी उसमें से 120 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। उसके बाद भी 344 करोड़ रुपए तक का डेप्ट रह जाएगा इसके ऊपर, जो कि पिछले साल के डेप्ट से भी ज्यादा है। तो ये पहला नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इस कंपनी का। और इसके पीयर कंपटीटर्स की बात करें तो इसके जैसी अभी कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है जो कि डीलरशिप के अंदर हो, मतलब जो बाकी सारी कंपनियां लिस्टेड है, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब मैन्युफैक्चरर है, डीलर ये अकेली कंपनी है। और ये जिस पीई पर लिस्ट होने जा रही है FY23 की अर्निंग के हिसाब से देखिए तो करीब करीब 27 से 28 के पीई पर लिस्ट होने जा रही है, तो ज्यादा सस्ता भी नहीं नजर आ रहा है। फिर दोस्तों जानते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ जो ओपन होगा 13 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 481 रुपए से लेकर 506 रुपए के बीच में, और ये 29 शेयर का लॉट है। जो इसका प्राइस बैंड है वो थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है, थोड़ा और सस्ता हो सकता था, जो इसकी वैल्यूएशंस है थोड़ी और सस्ती हो सकती थी, जिससे क्या है कि हमें आसानी से बढ़िया लिस्टिंग गेंस भी मिल पाता और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हम अप्लाई कर पाते। अभी मैं देख रहा हूं जनरली जो भी कंपनी आ रही है बहुत महंगा महंगा प्राइस बैंड लेके आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं है। और अभी मैंने पिछले जितने भी आईपीओ देखे उनमें ऐसा कभी मुझे नजर नहीं आया कि ये बिल्कुल फेयर वैल्यूएशन पर है। और लास्ट मैंने जो आईपीओ देखा था वो था अदानी विलमार, वो बिल्कुल फेयर वैल्यूएशन पर मुझे नजर आ रहा था। और इसका जो इश्यू साइज है 552 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 150 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू मतलब नए शेयर जारी करेगी और 120 करोड़ रुपए की उसके अंदर अपनी उधारी चुकाएगी, उसके बाद भी इसके ऊपर डेप्ट रह जाएगा। और ऑफर फॉर सेल के अंदर 402 करोड़ रुपए के शेयर सेल करेगी, जिसके अंदर 15 से 16% की अपनी हिस्सेदारी सेल कर रही है, उसके बाद इसकी जो हिस्सेदारी रह जाएगी करीबन 44% की, जो कि एक और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि मिनिमम 51% जैसी हिस्सेदारी प्रमोटर की होनी चाहिए ताकि कोई भी डिसीजन वो खुद ले सके, इससे क्या है कि कंपनी की ग्रोथ में कभी भी बाधा नहीं आती है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब दोस्तों मेन सवाल आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आप किसी भी आईपीओ के अंदर अपने अलॉटमेंट के चांसेस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, घर के सभी अलग अलग फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई कीजिए। इससे एप्लीकेशन अलग अलग लगेगी, और क्या है कि अपने एप्लीकेशन ज्यादा लगेगी तो किसी का अलग 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 काम करेगा तो एक आधा अलॉट हमारे लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास या घर में किसी भी फैमिली मेंबर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अब दोस्तों अप्लाई और नॉट, तो देखिए दोस्तों लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर देखें तो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम काफी कम चल रहा है, 10 से 11% के आसपास है, तो अभी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो 20% मिनिमम हो तो अप्लाई करना आसान रहता है। तो इस पर मैं फाइनल डिसीजन आपको दूसरे या तीसरे दिन दे दूंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है लिस्टिंग गेंस के हिसाब से। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो इसका पॉजिटिव पहला अगर देखें तो इसका सेक्टर बढ़िया है, इसका काम बढ़िया नजर आ रहा है। दूसरा, ये प्रीमियम कार सेल करती है तो ये भी अच्छा सेगमेंट है, मतलब प्रीमियम कार लग्जरी कार होती है वो अच्छा सेगमेंट है। और उसके अलावा इसकी एसेसरीज, रिपेयरिंग, सर्विस वगैरह उसके अंदर भी इसका अच्छा पैसा जनरेट हो जाता है। और प्रीमियम कार्स जनरली महंगी होती है तो उससे इसका रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होता है। प्रॉफिट मार्जिन हालांकि कम है पर फिर भी रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता है तो प्रॉफिट भी काफी अच्छा निकल जाता है। और इसके फाइनेंशियल्स भी ठीक है, मतलब इतने खराब भी नहीं कह सकते हैं। फिर दोस्तों नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो उसके ऊपर डेप्ट ज्यादा है, मतलब आईपीओ लाने के बाद भी इसके ऊपर 344 करोड़ रुपए का डेप्ट रह जाएगा, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। फिर दोस्तों आईपीओ आने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम रह जाएगी, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। फिर दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है, जिस प्राइस बैंड जिस वैल्यूएशन पर आ रहा है 500 से ऊपर के प्राइस बैंड पर, तो ये थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा सस्ता नहीं है, थोड़ा और सस्ता हो सकता था। तो दोस्तों ये हो गए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ज्यादा कोई अट्रैक्टिव ये आईपीओ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सेक्टर बढ़िया है, इसका काम बढ़िया है, कंपनी में कोई कमी नहीं है, पर देखिए दोस्तों वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई होती है तब अप्लाई करने में इतना ज्यादा मजा नहीं आता, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कहें या लिस्टिंग गेंस के हिसाब से। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, एक ठीक ठाक आईपीओ आप कह सकते हैं। और अभी लिस्टिंग गेंस के हिसाब से आपने देखा ही, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ग्रे मार्केट का प्रीमियम और डिमांड कम चल रही है, तो इस पर मैं फाइनल डिसीजन आपको दे दूंगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अप्लाई करें तो मुझे लगता है इन फ्यूचर ये थोड़ा डाउन भी जा सकता है, मतलब ऐसा पर्सनली मेरा मानना है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। बाकी ओवरऑल एक ठीक ठाक आईपीओ है, मतलब बुरा भी नहीं है, एक ठीक ठाक आईपीओ इसको कह सकते हैं। और बाकी दोस्तों अभी तीनों आईपीओ की रैंकिंग का वीडियो और फाइनल डिसीजन का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन है इस आईपीओ को लेकर वो जरूर दूर हुआ होगा। तो अब आप क्या करने वाले हैं, इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करेंगे या लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।